सुबह से ही भ्रमणशील हैं। भर्ती बोर्ड ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसको जमीन पे मूर्त करने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है, वो व्यवस्था की जा रही है। लगातार सभी सीनियर ऑफिसर भ्रमणशील हैं। मैंने भी आज इस सेंटर को देखा है, अभी कुछ और परीक्षा केंद्रों पर मैं जाऊंगा। परीक्षा बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है, परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और सुचितापूर्ण हो इसके सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इस भर्ती के बाद जो बच्चे इसमें शामिल होंगे वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश तथा जहां भी उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी वो देश को अपनी और प्रदेश को सेवाएं देंगे। सर, अब लेकिन इसके बावजूद 22 गिरफ्तारियां हुई, एसटीएफ ने भी कुछ गिरफ्तारियां की हैं, जिला पुलिस ने भी की है, तो कहीं ना कहीं कोशिश तो जारी है ठगने की, पेड़ लगाने की। ये कुछ इस तरह के लोग रहते हैं जो हरेक परीक्षा की सूचिता को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। आज सुबह जौनपुर में लेखपाल की परीक्षा के जो पर्चे थे उसको कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे प्रसारित किया कि पर्चे लीक हुए हैं, लेकिन तत्काल हमारे भर्ती बोर्ड और जिला प्रशासन, जिला पुलिस ने मिलकर इस चीजों का खंडन किया और उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे लोग जो कि भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। हम लोग लगातार सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हैं तथा ऐसे कितने सभी गिरोह जो कि पहले भी इन चीज़ों में शामिल रहे हैं, इस पर हमारी जो विशेष यूनिट्स हैं उनकी भी नज़र बनी है। नहीं, हम यहाँ पूरा सीसीटीवी कवरेज है और जो परीक्षा के बारे में जो गोपनीयता जितनी फिल्टर्स होते हैं उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। वो भर्ती बोर्ड और उन लोगों ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो इस तरह से की गई हैं कि पर्चा लीक करना बहुत ही कठिन है।